हेलो दोस्तों, आज हम दही भिंडी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही यमी बनती है, तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ले लेनी है, उसमें हम तेल डाल देंगे। अब 1 टेबलस्पून राई और जीरा डालना है, 1/4 टीस्पून हींग डाल देनी है, 3 से 5 कड़ी पत्ते, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालनी है और 1/2 कप कटा हुआ प्याज। इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये अब अच्छे से भून चुके हैं। अब डालेंगे इसमें 200 ग्राम कटी हुई भिंडी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ लेंगे, इससे भिंडी चिकनी नहीं बनती और खुली खुली ही रहती है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर इसे पका लेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेंगे और फिर से इसे मिला लेंगे। वापस ढक्कन लगाकर हमें इसे पकाना है। बीच बीच में ढक्कन खोलते रहेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि भिंडी नीचे चिपक कर जले नहीं। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा मसाला पूरी तरह से कवर हो जाए। फिर से ढक्कन लगाकर हमें इसे पूरी तरह से कुक होने देना है। अब यहाँ मैंने 150 ml दही लिया है, 50 ml पानी डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने चने का आटा डाल के मिला लिया था। अब यही मिश्रण को हमें भिंडी में डाल देना है और इसे अच्छे से पका लेना है। ढक्कन लगाकर हम इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेंगे। डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये खट्टी मीठी बनती है। ये अब पूरी तरह से बन चुकी है। धनिया डाल के इसे सजा लेना है और हमारी दही भिंडी बनके तैयार है दोस्तों। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपकी ये कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।